नमस्कार, टू इन वन अनकंडीशनल लव चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की ये वीडियो रिक्वेस्टेड वीडियो है। आज का जो टॉपिक है, एक व्यूअर ने रिक्वेस्ट की है कि प्लीज़ आप एंसेस्ट्रल हीलिंग के ऊपर एक वीडियो बनाइए। तो ये जो वीडियो है ये उस व्यूअर की रिक्वेस्ट पर बनाई जा रही है। फॉर गाइडेंस, एंसेस्टर होते कौन हैं? हमारे जितने भी पूर्वज हैं वो सभी हमारे एंसेस्टर्स हैं, और उनकी हीलिंग क्यों ज़रूरी है, उनके कर्मा हमें क्यों लग जाते हैं, तो उसके लिए छोटा सा एक्सप्लेनेशन है कि आपको जो मिला है, जो भी गुड कर्मा मिला है, मींस आपको जो पैतृक संपत्ति मिली है, आपको जो पेरेंट्स से कुछ भी मिला है, चाहे एजुकेशन मिली है, रुपए पैसे, ज़मीन जायदाद, ये सारी आपकी नहीं है, आपके पूर्वजों की है। उन्होंने जो कमाया वो आपको मिल रहा है। जब उनके गुड कर्म आपके सामने आ रहे हैं, आपको मिल रहे हैं, तो उनसे जो गलतियां हो गई हैं उनका कर्मा किसको मिलेगा? उनका कर्मा भी आपको ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ी सी डिस्टरबेंस है। डिस्टरबेंस क्या है कि गुड कर्मा तो सभी को मिलता है, मीन्स एंसेस्टर्स ने जो भी कलेक्ट किया है, इकट्ठा किया है, चाहे वो ज़मीन जायदाद हो, रुपए पैसे हों, या ज्वेलरी हो, एट्सेट्रा, वो सभी को इक्वल मिलती है। लेकिन सभी सोल्स इतनी पावरफुल नहीं होती जो उन्हें मुक्ति दिला सकें, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति करा सकें, उनके कर्मा बैगेजेस से रिलीफ करा सकें, फ्री करा सकें। तो वो हमारे पूर्वज हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, उनके पास बहुत विजडम है जो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से पाई है। वो ये पहचान जाते हैं कि उनकी लीनेज में कौन ऐसा है जो डिवाइन सोल है, और सिर्फ जो डिवाइन सोल्स हैं वो ही उन्हें उनके कर्मा बैगेज से मुक्त करा सकती हैं। इसीलिए जितनी भी प्रॉब्लम्स, हर्डल्स जो लाइफ में आनी हैं वो उन डिवाइन सोल्स की लाइफ में डालते हैं, जिससे कि जैसे जैसे वो हर्डल्स आएँ तो वो उनके सॉल्यूशंस के लिए पता करें कि आखिर ये हर्डल्स क्यों मिल रही हैं हमें। और जब तक वो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो उनके वो हर्डल्स भी दूर नहीं होंगे और उनको ग्रोथ और प्रोग्रेस नहीं मिलेगी। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि हमारे एंसेस्टर ही हैं जो अपनी मुक्ति के लिए हमें वो प्रॉब्लम्स देते हैं जो हमारी लाइफ में आती हैं। लेकिन यहाँ मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि आप ये मत सोच लेना कि हमारे एंसेस्टर जानबूझकर हमें परेशान करते हैं। आप इसको दूसरे तरीके से लीजिए। वो ये जानते हैं कि आप कैपेबल हैं, आपके अंदर इतनी एबिलिटी है, बाकी और आपके जो भाई बहन हैं, आपके जो सिबलिंग्स हैं, उनमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, इतना स्टैमिना नहीं है कि वो उन्हें
मोक्ष दिला सकें, उनकी आत्मा की मुक्ति करा सकें। इसीलिए वो आपको चूज़ करते हैं। आपको यहाँ पर हैप्पी होना चाहिए कि आप इतने स्ट्रॉन्ग हैं, आप चूजन वन हैं, कि आप सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ही ग्रोथ नहीं करते हैं, आप अपने साथ साथ पूरी एंसेस्ट्रल लीनेज की ग्रोथ करते हैं, उन सभी लोगों को फ़ायदा पहुंचाते हैं जो इस दुनिया में आपके सामने हैं, प्रेजेंट में हैं, और साथ ही साथ पास्ट में आपके पूर्वज के रूप में जो उनसे गलतियां हो गई हैं उनको भी हील करते हैं, अपने पूर्वजों की भी हीलिंग करते हैं। ये सुनने में थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा, अजीब लग रहा होगा, लेकिन जो लोग इस जर्नी में हैं वो इस बारे में बिल्कुल जानते हैं कि हाँ, उनकी लाइफ में ब्लॉकेजेस आती हैं और जब तक वो एंसेस्ट्रल हीलिंग नहीं करते तब तक उनकी लाइफ में सक्सेस और ग्रोथ नहीं आती। ये हमारे एंसेस्टर ही हैं जो टाइम टाइम पर हमें जिस तरीके से ब्लॉकेज देते हैं वैसे ही हमारी ग्रोथ में भी हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। जब हम इनकी हीलिंग कर देते हैं तो ये जितनी रुकावटें हमारी जर्नी में क्रिएट करते हैं उससे बहुत ज़्यादा बोनस के साथ आपको हेल्प भी करते हैं। अगर ये परेशानियां खड़ी करते हैं, इनको हील कर दोगे आप, तो उस हीलिंग के बाद ये आपको ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा देते हैं और ये जानते हैं कि आप उस ग्रोथ के हकदार हो, इसीलिए ये आपको इतनी रुकावटें या प्रॉब्लम्स या सफरिंग्स देते हैं जिससे कि इनकी भी ग्रोथ हो जाए और साथ ही साथ आप अपनी ग्रोथ करो, अपने साथ साथ पूरी सोसाइटी की ग्रोथ करो। क्योंकि इनको सब पता है कि आप एक डिवाइन सोल हैं, आप नहीं जानते लेकिन ये जानते हैं, ये जानते हैं आप सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लोगे, इसलिए आपको ये प्रॉब्लम्स दी जाती हैं। आज के इस एपिसोड में आपको यही समझाने की कोशिश की जा रही है कि एंसेस्ट्रल हीलिंग होती क्या है, कैसे की जा सकती है और कब की जा सकती है। जो एंसेस्ट्रल हीलिंग है वो न्यू मून के दिन की जाती है। आज न्यू मून है और आज के दिन आप अपने एंसेस्टर्स को हील कर सकते हैं। देखो, रिचुअल्स कैसे हैं वो मैं आपको नहीं बता पाऊँगी क्योंकि मैं किन्हीं भी रिचुअल्स को ऐसे फॉलो नहीं करती। हाँ, मेरे मेडिटेशन के एक्सपीरियंस से जो मैंने फील किया और जो डिवाइन ने मुझे एक्सपीरियंस दिए वो मैं बिल्कुल आपको आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जो डिवाइन ने मुझसे मेरे एंसेस्टर की हीलिंग कराई वो कैसे कराई, क्योंकि मैं किसी पर्सन के पास नहीं गई थी हीलिंग के लिए। मुझे मालूम भी नहीं था कि एंसेस्ट्रल हीलिंग कुछ होता भी है। वो प्रोसेस जब मेरे साथ हुआ और उसके बाद मैंने उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की कि ये क्या प्रोसेस मेरे साथ हुआ है मेडिटेशन में, तो तब जाके मुझे पता चला इसे एंसेस्ट्रल हीलिंग कहते हैं। और जो डिवाइन बीइंग्स हैं, जो एक्चुअल में डिवाइन बीइंग्स हैं, वो ओनली एंड ओनली अपने एंसेस्टर्स को ही हील नहीं करते बल्कि और भी सोल्स उनको भी हील करते हैं। यहाँ पर मैं आपके साथ दोनों एक्सपीरियंस अपने शेयर कर रही हूँ। मैं सालों से मेडिटेशन करती हूँ, इस मेडिटेशन साधना में हूँ। मेरे साथ लास्ट ईयर 2021 में अपने आप जब मेरी अवेकनिंग थर्ड टाइम स्टार्ट हुई, दो बार पहले मेरी अवेकनिंग हो चुकी है, जब तीसरी बार बहुत ब्रूट मेरी अवेकनिंग हुई उसमें मुझसे एक प्रोसेस कराया गया था फॉरगिवनेस का, और उसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी डाली है, आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। और उस वीडियो में मैंने ये देखा कि ना जाने कितनी सारी आत्माओं के नाम लेकर मैंने उन्हें माफ़ किया, उन्हें हील किया। यहाँ एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि मैं माफ़ करने वाली कौन होती हूँ। ये पूरा के पूरा प्रोसेस डिवाइन ने मुझसे कराया। कुछ नाम तो ऐसे हैं जिनको मैं जानती हूँ लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जिनके बारे में मैं कुछ नहीं जानती।
उनका नाम लेकर भी मुझसे उनके लिए माफ़ी मंगवाई गई, उनके कार्यों के लिए माफ़ी मंगवाई गई, और साथ ही साथ जो अभी भी हैं उन लोगों के लिए भी मुझसे माफ़ी मंगवाई गई, और आगे आने वाली जनरेशन के कर्मों के लिए मुझसे एडवांस में माफ़ी मंगवाई गई कि आगे से ये कर्म करने भी नहीं हैं कोई गलत काम, फिर भी अगर गलती से कुछ गलत हो जाए तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। साथ ही साथ मुझसे प्रेयर कराई गई सभी का नाम लेकर कि मेरे पूर्वजों ने, मेरे एंसेस्टर्स ने जो भी ऐसे कार्य किए हैं कि जिससे किसी का भी दिल दुखा हो, और जिस किसी ने भी मेरी फैमिली में ऐसे कार्य किए हैं जिससे मेरे पूर्वजों का दिल दुखा हो, मीन्स दोनों ही, या तो उनकी वजह से किसी का दिल दुखा हो या किसी की वजह से उनका दिल दुखा हो, इन दोनों ही बातों के लिए मैं डिवाइन आपसे प्रार्थना करती हूँ कि हे परमपिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरे पूर्वजों को हील करें, उनसे जो भी कर्म हुए हैं, वो कार्य जो नहीं होने चाहिए थे, उन कार्यों के लिए उन्हें माफ़ करें और उन्हें मुक्ति प्रदान करें। मैं दिल से आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरे द्वारा किए गए सत्कर्मों का पुण्य मेरे पूर्वजों को प्राप्त हो और उन्हें मुक्ति प्रदान करें। साथ ही साथ मुझे ये आशीर्वाद दें कि वर्तमान और भविष्य में कभी भी मुझसे ऐसा कोई गलत काम ना हो जिससे मैं किसी का दिल दुखाऊं या कोई मेरा दिल दुखाए। साथ ही साथ मेरी भावी पीढ़ियों के साथ भी ऐसा कोई कार्य ना हो कि वो किसी का दिल दुखाएं या उनसे किसी का दिल दुखे। मैं आपसे अपने संपूर्ण पुण्यों के बदले अपने पूर्वजों की, अपनी वर्तमान पीढ़ी की और अपनी भविष्य की पीढ़ी के लिए प्रार्थना करती हूँ कि आप इन सभी की गलतियों के लिए इन्हें माफ़ करें और भावी पीढ़ियों और वर्तमान की पीढ़ी को सद्बुद्धि दें कि उनसे ऐसा कोई भी गलत कार्य ना हो कि बाद में उन्हें या किसी और जीवात्मा को दुख हो। और जो भी नाम आपके मेडिटेशन में आता रहे, आप उस व्यक्ति को माफ़ करते जाएं, उसके लिए प्रार्थना करते जाएं और उसकी मुक्ति की कामना करें। आप इतनी पावरफुल सोल्स हैं कि आप जिसके लिए भी प्रार्थना करेंगे वो प्रार्थना आपकी सुनी जाएगी। अब यहाँ पर आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि हमारी ही क्यों सुनी जाएगी, तो उसके लिए एग्जांपल है कि एक टीचर ना जाने कितने बच्चों को प्रिपेयर करती है। वो डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर्स बनते हैं, वो अपनी सर्विस देती है, वो खुद डॉक्टर या इंजीनियर नहीं होती, लेकिन वो बाकियों को सर्विस देती है, अपनी नॉलेज देती है, विजडम देती है और उन्हें वहाँ तक पहुँचाती है जहाँ उन्हें पहुँचना चाहिए। ठीक ऐसे ही एक डॉक्टर अगर अपनी नॉलेज को अपने पास रखे, वो सोसाइटी को सर्व ना करे, तो कितने सारे लोगों को वो ठीक कर रहा है, हील कर रहा है, हेल्दी कर रहा है, वो कैसे होंगे। तो ठीक ऐसे ही हम जो डिवाइन बीइंग्स हैं, हम इतने पावरफुल हैं, हमारे पास इतनी पावर है कि हम अपने आप को हील कर सकते हैं, अपने पूर्वजों को हील कर सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हीलिंग एडवांस में दे सकते हैं, जिससे कि जब उनके सामने वो कार्मिक सिचुएशंस आएं तो वो मिसगाइड ना हो और सही टाइम पर सही डिसीज़न ले सकें। इसीलिए ये एंसेस्ट्रल हीलिंग की जाती है।
मैंने आपके साथ वो प्रोसेस शेयर किया है जो मुझसे मेडिटेशन में करवाया गया है। इसके अलावा मैं एक चीज़ और शेयर कर देती हूँ कि मुझे ऐसे लगता है कि जो हमारा खाना है वो वेस्ट नहीं होना चाहिए। मैं आज के टाइम में भी कोशिश यही करती हूँ कि हम जिसके लिए भी मींस नेचर के लिए जितना भी मुझसे हो पाए, मैं जितना कर पाऊँ मैं उतना करने की कोशिश करती हूँ। जो भी फूड हम खाते हैं उसमें से थोड़ा सा हिस्सा मैं नेचर के लिए सर्व करती हूँ, चाहे वो बर्ड्स लगा लो आप, एनिमल्स लगा लो, प्लांट लगा लो, जिसको जो मैं सर्व कर पाऊँ मैं वो सर्व करने की कोशिश करती हूँ। मेरा डेली का रूटीन है अपने खाने के साथ साथ कुछ खाने का हिस्सा, अगर बचा हुआ फूड है वो भी, और अगर बचा हुआ फूड नहीं है तो भी, अगर बचा हुआ फूड ज़्यादा है तो खाली वो फूड, और अगर बचा हुआ फूड नहीं है तो फ्रेश फूड, और दोनों को मिक्स करके मैं एनिमल्स के लिए और बर्ड्स के लिए एक शेयर रखती हूँ। यहाँ पर एंसेस्ट्रल हीलिंग हम तभी कर पाते हैं जब हमारे पास अपने पुण्य होंगे, मीन्स जब हमारे गुड कर्मा होंगे। अगर हमारे पास बैलेंस ही नहीं होगा तो हम दूसरे को क्या देंगे। तो ये एंसेस्ट्रल हीलिंग आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आप गुड कर्मा नहीं करते हो। आपको अपने गुड कर्मा करने हैं। आप जैसे भी नेचर को हेल्प कर सकते हैं बिल्कुल नेचर को हेल्प कीजिए, ह्यूमन बींग्स को हेल्प कर सकते हैं ह्यूमन बींग्स को हेल्प कीजिए, बर्ड्स को हेल्प कर सकते हैं, एनिमल्स को हेल्प कर सकते हैं, जो भी आपको लगता है नीडी है, उसको फूड की ज़रूरत है आप फूड प्रोवाइड कर सकते हैं। आपको मनी से कोई नीडी है वास्तव में, बिना किसी भेदभाव के, मीन्स विदाउट इनइक्वलिटी, आपको सभी को सर्व करना है पूरी इक्वलिटी के साथ, समानता के भाव के साथ आपको सभी को वो सर्विस प्रोवाइड करनी है जो एट ए टाइम आपसे डिमांड की जा रही है और आप सामने वाले को दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको रिटर्न में किसी चीज़ की कामना नहीं करनी है कि आपको बदले में कुछ मिल जाए। बस आप अपनी तरफ से कर दो, अपने आप आपके एंसेस्टर्स डिवाइन आपको रिटर्न कर देते हैं और एक्सेस में रिटर्न करते हैं, इसकी मैं गारंटी लेती हूँ। ये सारे एक्सपीरियंस मैं अपनी लाइफ के शेयर कर रही हूँ जो मैंने अपनी लाइफ में खुद देखा है, वही मैं आपको बता रही हूँ। ये तो हुआ एंसेस्ट्रल हीलिंग कैसे होती है और कब होती है। अब आज मॉर्निंग के मेडिटेशन का मैं एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ। मुझे नहीं पता था कि आज न्यू मून है। मैंने कहा ना, डिवाइन सोल्स को अपने आप ही न्यू मून और फुल मून, चाहे वो कैलेंडर देखें या ना देखें, पता चल जाता है। मुझे ये तो था कि एक दो दिन में आने वाली है। मैंने कोई ऐसी वीडियो मेरे सामने पॉपअप हुई थी कि न्यू मून आने वाला है, पर मैं भूल गई थी कि आज न्यू मून है। मॉर्निंग में जब मैंने मेडिटेशन किया तो मैंने देखा, जब क्लींजिंग के बाद मुझे शील्ड्स मिल रही थी तो कुछ सोल्स मेरी शील्ड्स में एंटर करने की कोशिश कर रही थी। अब शील्ड्स के बारे में आप जानते हैं, मैं अपनी शील्ड्स, कुछ शील्ड्स मैंने आपको प्रोवाइड भी की हैं अकॉर्डिंग टू डिवाइन गाइडेंस। तो वो प्रोटेक्शन शील्ड्स होती हैं जो हमें प्रोटेक्ट करती हैं, हमारे ऑरा को प्रोटेक्ट करती हैं, हमारी हेल्थ को कम्प्लीटली हमें प्रोटेक्ट करती हैं और प्योर रखती हैं। तो वो एंटर करने की कोशिश कर रही थी, उस टाइम मैंने उनको मना किया, रोक दिया कि नहीं, आप ऐसे मेरे ऑरा में नहीं एंटर कर सकते हो, इस प्रोटेक्शन शील्ड को आप नहीं तोड़ सकते हो, आप चले जाइए। तो मुझे नहीं पता था कि आज न्यू मून है और वो मुझसे क्या चाहते हैं। जैसे ही मैंने ये बोला कि नहीं आप इसमें एंटर नहीं कर सकते, तुरंत मुझे गाइडेंस मिली कि ये हीलिंग चाहते हैं। तब मुझे याद आया, ओहो इसका मतलब आज न्यू मून है। मैंने कहा बिल्कुल, आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं अपनी शील्ड लगाने के बाद मैं आपके लिए प्रेयर करूँगी
आपकी मुक्ति के लिए प्रेयर करूंगी, लेकिन आप मेरी ऑरा में एंटर नहीं कर सकते, मेरी शील्ड के अंदर नहीं आ सकते। और शील्ड लगाने के बाद मैंने उनकी मुक्ति के लिए प्रार्थना की। आज जो लोग अपनी मुक्ति के लिए आई थी, जो सोल्स मुक्ति के लिए आई थी, ज़रूरी नहीं कि वो मेरे एंसेस्टर्स ही थे, क्योंकि एंसेस्टर हीलिंग मेरी डिवाइन करा चुके हैं। ये नया एक्सपीरियंस मेरे सामने आया कि ये वो डिवाइन सोल्स हैं जो ये देख लेती हैं कि हाँ, कौन हमें मुक्त करा सकता है, कौन हमें हील करा सकता है। इस तरीके से आप केवल और केवल अपने एंसेस्टर्स की ही हीलिंग नहीं करते हैं, इवन जो भी नीडी होता है उसे आप अपनी सर्विस देते हैं। क्योंकि आपको ये डिवाइन गाइडेंस मिलती है तो आपको डरने की भी ज़रूरत नहीं है। जो लोग भी असेंड हो चुके हैं, अवेकन हो चुके हैं, वो मेरी बात को बिल्कुल समझ रहे होंगे, और जो नहीं समझे हैं वो आने वाले टाइम में समझ जाएंगे। मेन क्या है कि हमें ये देखना है कि हमें उन डिवाइन सोल्स को, पहले अपने एंसेस्टर्स को और उसके बाद जो भी डिवाइन सोल्स होती हैं, वो नॉर्मल सोल्स भी अगर आपके पास हेल्प के लिए आती हैं, जो आपके पूर्वजों के अलावा कोई और भी हो सकती हैं, लेकिन उन्हें आपकी हेल्प की, हीलिंग की ज़रूरत है, तो आप बिल्कुल उनकी हेल्प कीजिए, दिल से उनके लिए प्रार्थना कीजिए। आप बहुत पावरफुल डिवाइन सोल्स हैं, आपकी हीलिंग उन्हें हील करती है, उन्हें मुक्ति प्रदान करती है। आपकी प्रेयर करने से उन्हें मुक्ति मिलेगी और वो किसी और जन्म के लिए प्रिपेयर हो पाएंगी और अगले जन्मों में जाकर अपने कर्मास को क्लींस कर पाएंगी। तो आपको ये एक तरीके से ब्लेसिंग मिली है कि आप इतने पावरफुल डिवाइन सोल्स हैं जो अपनी ग्रोथ के साथ साथ बाकी सोल्स की ग्रोथ में भी हेल्प करती हैं, चाहे वो 3D वर्ल्ड हो और चाहे वो एंसेस्टर वर्ल्ड हो, चाहे वो 5D हो, चाहे वो हायर डायमेंशंस हो, जहाँ भी आपकी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है आप हेल्प करते हैं। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि एंसेस्ट्रल हीलिंग कैसे करते हैं। दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, आप अपनी प्रेयर्स के द्वारा अपने एंसेस्टर्स को हील करते हैं, साथ ही साथ आप जो भी नीडी पर्सन हैं उसकी हेल्प कर अपने गुड कर्मा कलेक्ट करते हैं, और उस गुड कर्मा से, डिवाइन से प्रेयर करते हैं कि आप हमारे गुड कर्मा हमारे एंसेस्टर्स को दे दीजिए और उन्हें हील कर दीजिए। और जब आपके एंसेस्टर्स की हीलिंग हो जाती है तो डिवाइन भी आपको ब्लेसिंग देते हैं, रिवॉर्ड्स देते हैं, साथ ही साथ आपके एंसेस्टर्स भी आपको ब्लेसिंग्स देते हैं। मैंने अपनी इस जर्नी में ये एक्सपीरियंस खुद किया है, तभी मैं आपको बता रही हूँ। और कोई रिचुअल मैंने नहीं किया, इसीलिए मैं ऐसी कोई फेक गाइडेंस आपको देना नहीं चाहती जो मैंने नहीं की। सुना मैंने बहुत कुछ है, लेकिन मैंने उनमें से किया कुछ भी नहीं है। ओनली एंड ओनली जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, मैंने सिर्फ वही किया है जो डिवाइन ने मुझसे कराया है। आई होप सो कि आप इस गाइडेंस से फ़ायदा उठा पाएंगे और अपनी एंसेस्ट्रल हीलिंग कर पाएंगे, साथ ही साथ आप अपने एंसेस्टर्स के लिए प्रेयर करेंगे कि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। इस वीडियो में एंसेस्ट्रल हीलिंग से रिलेटेड बस इतना ही, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ दूसरी YouTube वीडियोस भी डालती हूँ, जिसमें कुछ वीडियोस मेरी खुद की होती हैं, कुछ रिक्वेस्टेड होती हैं, और कुछ जो इम्पॉर्टेंट गाइडेंस आपको मिलनी चाहिए वो वीडियोस होती हैं। साथ ही साथ मैंने एक दूसरा चैनल स्टार्ट किया है जो किड्स भी देख सकते हैं,
और उसमें साइंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन की ऑथेंटिसिटी नहीं है, क्योंकि वो सारी इन्फॉर्मेशन जो मुझे मेडिटेशन में साइंस की मिली है, क्योंकि मैं मिक्स नहीं करना चाहती, मैं इस ट्विन जर्नी के चैनल में ओनली ट्विन जर्नी वाली इन्फॉर्मेशन ही रखना चाहती हूँ, या जो गाइडेंस आप मुझसे मांगते हैं मैं वो इस चैनल में डालती हूँ। लेकिन इस जर्नी में मुझे साइंस के भी बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए हैं, जो आप साइंस की नॉलेज कह सकते हैं, वो मैं अपने दूसरे चैनल पर डालती हूँ। उसका लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप चाहें तो उन वीडियोस को भी देखकर नॉलेज ले सकते हैं। बहुत सारी नॉलेज उसमें ऐसी है जो अभी एग्जिस्ट नहीं करती, पर इन फ्यूचर वो नॉलेज आपको प्रोवाइड होगी। अब आप उसको फैंटेसी मानना चाहें, फैंटेसी मान सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ वो ही नॉलेज उसमें डाल रही हूँ जो मुझे मेरे अपने एक्सपीरियंसेस से मिली है। दूसरी बात, आप सभी का मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोग मेरी वीडियोस को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, मेरे काम से आप लोगों की हेल्प हो रही है, मैं अपना सोल पर्पस अच्छे से कर रही हूँ। दिल से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है जब आप अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ शेयर करते हैं और ये बताते हैं कि मेरी वीडियोस आपको हेल्प कर रहे हैं। साथ ही साथ मुझे उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो किसी भी पेन में हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि वो किसी से शेयर नहीं कर सकते, बिल्कुल आप अपनी वो बातें मुझसे शेयर कर सकते हैं। उन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन जो किसी से नहीं मिल रहे वो मुझसे शेयर कर सकते हैं। अगर मेरे पास वो सॉल्यूशन हुए या मुझे डिवाइन गाइडेंस में वो उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मिले, तो बिल्कुल मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी मेल के थ्रू, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। लेकिन प्लीज़ आप कांटेक्ट करने के लिए मेरा फ़ोन नंबर मत मांगिएगा, क्योंकि मैं पर्सनली एनर्जी इतनी जल्दी कनेक्ट किसी से भी नहीं करती हूँ। मुझे पर्सनली चाहे फ़ोन कॉल्स हो चाहे इंडिविजुअली, एनर्जी किसी से भी बहुत जल्दी कनेक्ट करने की परमिशन नहीं है, क्योंकि उसके लिए मुझे कॉर्ड कट करना पड़ता है, और कॉर्ड कट करने के लिए फिर मुझे आपसे चार्ज लेना पड़ेगा। और हर कोई वो चार्ज दे पाए ये ज़रूरी नहीं है, मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में वो चार्ज बताया हुआ है। इसीलिए आप ईमेल के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मैसेजेस के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपके मैसेजेस के आंसर बिल्कुल देती हूँ जो भी मुझसे क्वेश्चन किया जाता है। एक छोटा सा आंसर मैं देना चाहूँगी, हालांकि मैं पर्सनली ये आंसर उस व्यूअर को दे चुकी हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि ये सभी डिवाइन फेमिनाइन का भी क्वेश्चन है। उन जो डिवाइन फेमिनाइन है उन्हें ये लगता है कि वो डीएम को हर वक्त हर पल हर क्षण याद करती हैं, लेकिन डिवाइन मैस्कुलाइन जो हैं वो उनको याद नहीं करते। तो मैं यहाँ क्लियर कर दूँ आपको कि वो जब डिवाइन मैस्कुलाइन फॉर्म में नहीं आए हुए होते, मीन्स डिवाइन मैस्कुलाइन वो कब बनते हैं, जब वो अपने ऊपर वर्क करते हैं, अपना इनर वर्क कंप्लीट करते हैं। आपकी तरह उनका भी इनर वर्क है, उन्हें कंप्लीट करना पड़ता है, तब जाके वो डिवाइन मैस्कुलाइन बनते हैं। ठीक ऐसे ही आप डिवाइन फेमिनाइन तब बनती हैं जब आप अपना इनर वर्क कंप्लीट कर लेती हैं, तब आप फेमिनाइन से डिवाइन फेमिनाइन बनती हैं। जिस प्रकार फेमिनाइन मैस्कुलाइन को कभी नहीं भूल पाती, ठीक वैसे ही मैस्कुलाइन कभी भी फेमिनाइन को नहीं भूल पाता। और ये जो डिवाइन रूप आपका होता है, डिवाइन फॉर्म जो आपकी होती है, वो आपके इनर वर्क के बाद ही बाहर आती है। और जब आप इस फॉर्म में आते हैं तब तो आप एक दूसरे से दूर हो ही नहीं सकते, क्योंकि आप एनर्जेटिक लेवल पर एक दूसरे से हर पल हर क्षण कनेक्टेड होते हैं। पहले भी होते हैं लेकिन आपको उसका पता नहीं चलता, लेकिन जब आप डिवाइन बन जाते हैं तो आप 24 मल्टीप्लाई 7 आवर्स
आप एक दूसरे से एनर्जेटिकली कनेक्ट होते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी दूर हैं एक दूसरे से, क्योंकि आप दोनों को ही डिवाइन का वर्क करना है, अपना सोल पर्पस पूरा करना है। तो जब तक आप अपना सोल पर्पस पूरा नहीं कर लोगे, आप यूनाइट नहीं हो सकते हो। अगर आपने अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि आपको यूनाइट होकर ही डिवाइन पर्पस पूरा करना है, उसमें भी आप कंप्लीटली यूनाइट फिर भी नहीं हो पाते हो, क्योंकि वो कंप्लीटली यूनाइट आप तभी हो सकते हो जब आप अपना सोल पर्पस पूरा कर लो। आप एक दूसरे के साथ में आ जाओगे, मिलकर वर्क करोगे, सब चीज़ें होंगी, लेकिन आपकी कंप्लीशन तभी होती है जब आप डिवाइन से मर्ज होते हैं, और वो तभी होता है जब आप अपना सोल पर्पस पूरा कर पाते हैं। तो आपका ये क्वेश्चन, उस व्यूअर का क्वेश्चन था कि डिवाइन फेमिनाइन तो डिवाइन मैस्कुलाइन को कभी भी नहीं भूल पाती है। तो हम भूलेंगे कैसे और याद कैसे करेंगे? हम अपने आप को ना तो भूल सकते हैं ना तो याद कर सकते हैं। ये तो आप इस तरीके से लगा लो, मुझे नहीं पता कि बाकी लोग कैसा फील करते हैं, जो मैं फील करती हूँ वो मैं बता रही हूँ, कि हम सांस लिए बिना जिंदा नहीं रह सकते। ठीक ऐसे ही, चाहे वो डिवाइन मैस्कुलाइन फॉर्म हो या डिवाइन फेमिनाइन फॉर्म हो, वो अपनी दूसरी एनर्जी के बिना जिंदा रह ही नहीं सकती। तो यहाँ भूलने और याद करने का तो सवाल ही नहीं उठता। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमें एनर्जी एक दूसरे की सेंस होती रहती है, उससे हमें पता चलता रहता है कब हम थोड़ा सा टाइम फ्री हैं, जब एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। और उसके लिए चाहे हम मीलों दूर हों फिजिकल फॉर्म में, हमें ज़रूरत नहीं है किसी फिजिकल यूनियन की। हम मीलों दूर होकर भी एक दूसरे से ऐसे यूनाइट होते हैं, हम ऐसे बात कर सकते हैं जैसे हम आमने सामने ही हैं, हम एक ही हैं, हम अलग हैं ही नहीं। और जो लोग अपने आप को अलग महसूस करते हैं, वो अभी तक भी इल्यूज़न में फंसे हुए हैं। आप प्लीज़ अपना इनर वर्क अच्छे से कीजिए और अपने इस इल्यूज़न को तोड़िए। आई होप सो, उस व्यूअर को तो अपने क्वेश्चन का आंसर मिल ही गया है, आपको भी अपने क्वेश्चन का आंसर, जो आपने मुझसे पूछा भी नहीं लेकिन आपके मन में है, आपको आंसर मिल गया है कि यस, आपके डिवाइन मैस्कुलाइन या आपकी मैस्कुलाइन एनर्जी आपको कभी भी भूल नहीं पाती है। अगर वो भूलना भी चाहे, क्योंकि वो कोशिश करती है, बिल्कुल कोशिश करती है वो, मैं यहाँ झूठ नहीं बोलूँगी, बिल्कुल कोशिश करती है, पूरी कोशिश करती है आपसे दूर भागने की, कि आपकी बिल्कुल उसे याद ना आए। लेकिन डिवाइन ना चाहते हुए, उसके बिना चाहते हुए भी हर पल हर क्षण कभी आपका नाम, कभी आपका डेट ऑफ बर्थ उनके सामने लेकर आता ही आता है। और एक मैजिकल बात मैं बताती हूँ, आप देखना, आपके टेलीफोन नंबर में उस पर्सन का डेट ऑफ बर्थ जो आपका पार्टनर है बिल्कुल मिल सकता है। आप अपने नंबर को कैसे, जिस जगह पर आप रहते हैं आसपास के एरिया का नाम उस जगह पर हो सकता है, या आपके जो एड्रेस है उस एड्रेस से रिलेटेड वो नाम आपको मिल जाएगा। मीन्स 24 घंटे वो नाम आपसे चिपका हुआ ही रहेगा, आप उसे भूल ही नहीं सकते। डिवाइन ऐसा करने ही नहीं देता, क्योंकि डिवाइन आपसे इतना प्यार करता है, वो जानता है, आपके पेन को समझता है। तो आपका पेन उसे फील होता है, डिवाइन उस पेन को फील करता है कि हाँ, मेरे बच्चे को मैं पेन दे रहा हूँ, क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि उसको ये पर्पस पूरा करना है। अगर उसने ये पर्पस पूरा नहीं किया, मैंने उससे पहले उसका पेन ख़त्म कर दिया, तो फिर तो वो रिलैक्स हो जाएगा, उसको कैसे याद आएगा। तो आप ये मत सोचना कि डिवाइन मैस्कुलाइन उस पेन को फील नहीं करता, उनके साथ साथ गॉड भी आपके पेन को फील करते हैं। देखो, सोचो ज़रा, वो अपने बच्चों को अपने से अलग करके भेज रहे हैं, इस चीज़ को जो पेरेंट्स हैं बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि फिजिकल फॉर्म में आप पेरेंट्स हो और अपने बच्चे को जब अपने से दूर भेजते हो, तो क्या आप ऐसा कोई क्षण है जो आप अपने बच्चे से अपने आप को अलग फील करो? बिल्कुल नहीं, हो ही नहीं सकता, चाहे माँ हो या बाप हो।
वो कितना भी उनका बच्चा दूर रहे वो फिर भी वो फीलिंग से जुड़े रहते हैं अपने बच्चों से हर वक्त। जैसे ही थोड़ा सा फ्री हुए, हाँ मेरे बच्चे ने खाना खा लिया होगा, मेरे बच्चे ने ये कर लिया होगा। सेम ऐसे ही डिवाइन का हमारे साथ रिलेशन है। तो ना तो डिवाइन हमें भूलते हैं, ना ही हम डिवाइन पार्टनर्स एक दूसरे को भूलते हैं। हम भूलना भी चाहें, चाह कर भी करना चाहें, तो भी हमें नहीं करने दिया जाता। ये बातें मैं अपने एक्सपीरियंस के बाद बता रही हूँ, इसीलिए आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप हैप्पी होकर दोनों अपना अपना डिवाइन वर्क कीजिए, अपना इनर वर्क कंप्लीट कीजिए, अपने सोल पर्पस तक पहुंचिए और उसे कंप्लीट कीजिए। मेरी बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं कि आप जल्द से जल्द अपना इनर वर्क कंप्लीट करें और अपना सोल पर्पस पूरा कर कर परमानेंटली यूनाइट हो जाएं। मेरी सारी ब्लेसिंग्स आप सभी के साथ हैं। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।